संत रविदास महाराज की जन्मस्थली पर हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आपको दिखा दें कि ये वही मंदिर है जहां पर लाखों अनुयायी आते हैं और मत्था टेकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे 23 तारीख को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था व्यापक रूप से रहेगा। लेकिन जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये अनुयायी जो है वो धीरे धीरे बनारस आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर सेवादार भी लगाए गए हैं, वो मत्था टेकने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो तस्वीरें ये साफ कर रही है कि आज जो तस्वीर है कल कुछ और होगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर होगी और यहाँ पर तमाम लोग पहुँचते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से भी लोग पहुँचते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें या फिर कनाडा की बात करें, और वहीं देश के अलग अलग राज्यों से काफ़ी संख्या में अनुयायी यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि सियासत के लिहाज से भी यहाँ पर काफ़ी बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं वो भी आ चुके हैं, प्रियंका गांधी हैं वो भी आ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी यहाँ पर आ चुके हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो हर बार आते भी हैं। लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और ऐसा कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम लोग आ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो प्रोटोकॉल पहले से है, वो आएंगे, दो दिवसीय दौरा है। यहाँ पर 25 फीट की जो संत रविदास महाराज जी का जो मूर्ति बनाया गया उसका लोकार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और संत रविदास जयंती के जो बताए हुए रास्ते हैं, जो उनके अभिलेख हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि बेहद ही शानदार तरीके से बनारस में जो अनुयायी है वो लगातार आ रहे हैं और मत्था टेकने के लिए श्री गोवर्धन संत रविदास स्थल पहुंच रहे हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।